हे दीदी तो विजय वीडियो वाला विजय भैया लगाई हथि। हां दीदी तो वीडियो वाला विजय भैया। हां दीदी प्रणाम। प्रणाम भैया। आलू के खेती के वीडियो आहा बनलियै आ वैसा ही देख लियै हम सब वीडियो तो वैसा ही देख के हमहू सब हम की वैसा ही आलू के खेती कलियै ह। हां भैया बड़ा बढ़िया छै वीडियो। हां दीदी वीडियो देख के आलू के खेती कलियै देखी कितना बढ़िया पौधा है। हाँ दीदी आलू के फसल तो बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। भैया पिछले साल आलू के फसल कैले रही ना तो रोग लगे से आलू खराब हो गए, उपज बढ़िया ना भेलै। कि आलू के फसल देखिए के लगे छै कि बढ़िया होतै हमके। हाँ दीदी आलू के फसल इ बारी बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ बतैले हती वैसे ही हम इनकी आलू के खेती कैले हैं। जैसे जैसे यहाँ बतैले रहिए हाँ वैसा ही हम बीज के चुनाव करिए, ओकरा बाद बीज खेत के तैयारी करिए, बीज के उपचार करिए, ओकरा बाद रोपाई करिए। 20 से 25 दिन के बाद में कमैनी कैली, फिर मेड़ पर माटी चढ़ैली, फिर खाद दिली, उसके बाद में फिर पानी दिली। दीदी आलू के खेती में बीज चुनाव से लेके अभी सिंचाई तक जे भी काम कैली बहुत अच्छा, लेकिन एकरा ऊपर दवा के छिड़काव भी कैली है कि ना? भैया अभी तक तो कोई दवा के छिड़काव ना कलिए है। दीदी कुहासा के मौसम में आलू के फसल पर झुलसा रोग लागे के संभावना रहैया, एक खातिर दवा के छिड़काव जरूरी होइया। हाँ भैया अब तो कुहासा लगा के शुरू हो गई, झुलसा से बचे के लिए कौन दवा लगता है से बताइयो। दीदी फसल तभी अच्छा है झुलसा रोग न लागल है, सावधानी के रूप में मेनकोजेब युक्त दवा के छिड़काव शुरू कर दूँ। भैया दवा छिड़काव के तरीका तक हमरा सही से बता दू। हाँ भैया एक कट्ठा आलू के फसल के लिए 10 लीटर पानी में 20 ग्राम मेनकोजेब दवा के प्रयोग करे के चाहिए। दीदी दवा तो हम साथ ही ले ले जाइत रहली है अपना काम से, लेकिन स्प्रे मशीन और पानी की व्यवस्था करब तो अहाँ के हम सही से तरीका के बारे में छिड़काव के तरीका के बारे में अहाँ के बता दे। हाँ भैया रुकू हम पानी या दवा मशीन अभी लेके हम आवाई छी। ठीक है बगले में तो घर है जल्दी से आओ न। तो मशीन पानी ठीक है दीदी। मेनकोजेब M45 जे की 10 लीटर पानी में 20 ग्राम डाले के है दीदी, एक कट्ठा खेत के लिए 10 लीटर पानी। दवा मिलवाई समय दस्ताना के भी इस्तेमाल करे के है और दवा छिड़के के समय में मास्क के भी इस्तेमाल करे के है। दवा मापे के लिए माचिस के खाप के भी जरूरी हुई है। दवा छिड़के के लिए स्प्रे मशीन। दीदी दवा मिलावे से पहले दस्ताना जरूरी है जे कि हम पहिर रहल छी। ठीक है भैया। तो दवा मिलावे से पहले दीदी दस्ताना जरूरी है, थोड़ा पानी डाल ली था दीदी दवा मिलावे से पहले। दीदी एक खप्पा में 5 ग्राम दवा अटै छै, ठीक है? तो चार बार डालबै 20 ग्राम दवा हो जेतै और 10 लीटर पानी जे कि एक कट्ठा खेत के लिए दवा तो घोल तैयार हो जेतै। ठीक है एक खप्पा डाल रहली है। खप्पा डाल दवा यानी 20 ग्राम दवा डाल दिली और पानी डाल के मिला रही है। अच्छा से
दीदी दवा तो घूर उड़ के तैयार कर ले ली, अब दवा छिड़काव करे से पहले मास्क पहिर ले छी, ओकरा बाद दवा छिड़काव शुरू कर। हाँ भैया पहन पहन लीजिए। दीदी दवा के छिड़काव आई तरह से करब कि पत्ता से लेके ताना तक पूरा भीग जाए, देख रही है ना? हाँ भैया। भैया अहाँ तो दवाई छिड़क के बता दिलियै, बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के, लेकिन अब बताइए कि जे अब कई दिन के बाद फेने में दवाई हम छिट सके छिए? झुलसा से बचे के लेल हरेक 10 से 12 दिन पर दवा के छिड़काव जरूरी। एकरा बाद भी अगर झुलसा के लक्षण दिखाई देवे जैसे फफूंदी टाइप के या कपास टाइप के पौधा में या पत्ता में, तो वैसन पौधा के खेत से निकाल के नष्ट कर देवे के चाही और सिंचाई न करे के चाही। दीदी सिंचाई तो बंद ही कर देवे के चाही ताकि नमी के वजह से ये रोग ज्यादा तेजी से फैले। अगर खेत के एक भी पौधा में झुलसा रोग दिखाई देवे तो हमरा अपना दवा के बदल देवे के चाही और मेटालेक्सल दवा के छिड़काव शुरू कर देवे के चाही। भैया झुलसा लग जाए के बाद मेटालेक्सल दवा के प्रयोग करे के होता है? मेंको जेब जे दवा है उ जे है झुलसा से बचाव के लिए दवा है, अगर फिर भी झुलसा रोग लग गेल तो उकरा बंद करके मेटालेक्सल दवा के छिड़काव करे के। भैया ये दवा के छिड़काव के तरीका बताइए देती तो अच्छा रहलक। मेटालेक्सल दवा के भी वही तरह से मतलब छिड़काव करे के है, 10 लीटर पानी में 20 ग्राम दवा घोर के अच्छा से छिड़काव करेला। ठीक है। इ दवा के भी छिड़काव करे के तरीका एकदम वही होबे के चाहिए जैसे छिड़काव करे समय पत्ता और तना अच्छा तरह से भीग जाए के चाहिए, 10 से 12 दिन पर दवा के छिड़काव होबे के चाहिए। दीदी एक और तरीका है जैविक तरीका जकरा कहल जाए छे, अगर वही में झुलसा रोग से बचावे चाहे छी आलू के फसल के तो 10 लीटर पानी में 1 से 1.5 लीटर मट्ठा के घोर के जकरा मठास्त्र कहे छे आ यही तरह से छिड़काव करबे तो उसे भी पाला लगे के संभावना न रहे। भैया उपाय तो बहुत अच्छा बताइली, ये दवा में सावधानी भी कोई बरतेला है? हाँ दीदी, दीदी दवा छिड़काव करे समय 3 चीज के ध्यान रखेला है, मास्क और दस्ताना पहिर के ही दवा छिड़के के चाही और हवा के विपरीत दिशा में दवा न छिड़के के चाही और बारिश के मौसम में भी दवा न छिड़के के चाही। ठीक है। एकरा अलावा अगर तना में कोई कीड़ा लगे तो क्लोर पैरी फॉस दवा के प्रयोग करे के चाही वही मात्रा में। इतना कुछ बतैली भैया, एकरा लेल अपने के धन्यवाद। धन्यवाद। कल ही हम बाकी खेत में दवा के छिड़काव करवा ले हम। ठीक है। आलू के पौधा के बचाव के कुछ मुख्य बिंदु है, आलू के फसल में पाला से बचावे के लिए मेनकोजेब दवा के छिड़काव करे के चाहिए, अगर झुलसा लग जाए तो मेटालेक्सल दवा के छिड़काव करे के चाहिए, एक कट्ठा खेत के लिए 10 लीटर पानी में 20 ग्राम दवा मिला के छिड़काव करे के चाहिए। दवा के छिड़काव ऐ तरह से करे के चाहिए कि पत्ता और तना अच्छा तरह से भीग जाए। कुहासा लगला के बाद हर 10 से 12 दिन पर दवा के छिड़काव करते रहे के चाहिए। इतना कैला के बाद आलू के फसल झुलसा रोग से काफी हद तक बचल रहा।